इसके बारे में पता है। अलगे बायोफ्यूल, अलगे से बेस जैव ईंधन, इसके बारे में समझना पड़ेगा क्योंकि दुनिया में बहुत जगह पे अभी इसके ऊपर काम चल रहा है। सबसे पहले तो समझते कि अलगे का मतलब क्या है। अलगे यानी शैवाल, अलगे यानी काई। अभी अभी ये बारिश के सीजन में आप देखोगे तो पत्थरों के ऊपर, जमीन के ऊपर ऐसी ग्रीन आपको ऐसी लेयर दिखाई देगी, ये है अलगे। और हम लोग उसके ऊपर से फिसलते हैं। वो फिसलते क्यों है? क्योंकि इस अलगे में, इस शैवाल में तेल होता है। तो दोस्तों अलगे बेसिकली एक पेशीय सूक्ष्म वनस्पति है। अलग अलग तरह की वनस्पति है, बहुत बड़े बड़े पेड़ है, वृक्ष है, हर तरह की वनस्पति आप देखते हैं। ये सभी वनस्पति की सबसे पहली वनस्पति, एक पेशीय सूक्ष्म वनस्पति अगर कोई है तो वो है अलगे। इस दुनिया में जो जीवों की उत्पत्ति हुई है, आज आप देख रहे हैं तो दो तरह के जीव है, एक है वनस्पति कैटेगरी और दूसरी है प्राणी कैटेगरी। लेकिन इनकी सबसे पहली जो शुरुआत हुई इस दुनिया के ऊपर, वो हुई एक ऐसे एक पेशीय जीव से कि जिसके पास न्यूक्लियर मटेरियल भी नहीं था, बराबर वो सब डिस्पर्स था। बाद में आया यानी वो था प्रोकैरियोट्स, बाद में आया यूकैरियोट्स की जिसमें ये न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ सेल में, एक पेशीय जीव। और एक पेशीय जीव से फिर ऐसे दो अलग अलग जीव बने प्राणी के लिए, जो जिसे प्राणी बने बाद में, उसका पहला एक पेशीय प्राणी जिसे कह सकते हैं वो था प्रोटोजोआ। और उससे वो प्रोटोजोआ बन के इतने सारे अलग अलग तरह के जीव आज हम अपने सामने देख रहे हैं। वैसे ही वनस्पति से पहले एक पेशीय वनस्पति अगर कोई बनी होगी इस यूकैरियोट से, तो उसका नाम था अलगे। और इस अलगे से अभी आज की तारीख में दुनिया में जितनी भी अलग अलग तरह की वनस्पति बनी है ना, वो अल्टीमेटली स्टार्ट हुई है इस अलगे से। और आज भी ये अलगे मिलते हैं, तो इसका मतलब है कि ये अलगे दुनिया में हर जगह मिलते हैं और हर तरह के अलगे हैं। समुद्र वाले अलगे, फ्रेश वाटर वाले अलगे, हर तरह के आप जहां देखोगे वो अलगे हो सकते हैं। और इस अलगे से कैसे बायोफ्यूल जैव ईंधन का निर्माण हो सकता है? तो सबसे पहले तो इस अलगे में तेल हो सकता है, तो एज अ सोर्स ऑफ ऑयल यानी इस अलगे का तेल निकल सकता है, और इस तेल से फिर हम बायोडीजल तैयार कर सकते हैं और इसका जैव ईंधन करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा जो है, इस अलगे से बहुत सारा बायोमास हमें मिलता है। अभी जब बायोमास मिलता है तो इस बायोमास को फिर हम फर्मेंटेशन कर सकते हैं, उसका बायोमिथेनेशन कर सकते हैं और अलग अलग तरह के जैव ईंधन के हम प्रोडक्ट तैयार कर सकते हैं। दोस्तों ये जो अलगे है इसके बहुत सारे टाइप्स है। जैसा मैंने कहा कि दुनिया की कोई भी ऐसी जगह नहीं जहां अलगे नहीं है, कंपल्सरी अलगे है। जो मनुष्य को पता है ऐसे इस अलगे के 3 लाख से ज्यादा जाति है, यानी 3 लाख टाइप्स तो हमें पता है, जो नहीं पता ये बहुत ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन अलगे की कैटेगरी की जा सकती है कि अलगे ऐसे अलगे की जो तेलों में ज्यादा है, ऐसे अलगे जो बायोमास बहुत ज्यादा देते हैं, जो बाकी के कोई फूड करके बहुत बेटर है। अलगे की ग्रोथ जैसी होती है तो ये ग्रोथ लीनियर नहीं होती, जैसे बाकी के पेड़ बढ़ते हैं, वृक्ष बढ़ते हैं, तो वैसे नहीं अलगे बढ़ते। तो अलगे मल्टीप्लाई होता है, यानी एक पेशीय वनस्पति है तो 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8 ऐसे अलगे बढ़ते हैं। और लेकिन इस अलगे को आज की तारीख में भारत में जो इसका प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन होता है इसके हेल्थ बेनिफिट के लिए। इनफैक्ट इस अलगे को, इस शैवाल को या काई को सुपर फूड ऐसा कहा गया है। इसपे इतनी सारे, इतने अच्छे तत्व है, इतने मिनरल्स, इतने विटामिन्स, इतनी सेहत, इतने ओमेगा ऑयल्स इसमें है कि जो बहुत जरूरी होते हैं शरीर के लिए। अगर आप एक कैप्सूल लीजिए, एक गोली अगर ले अलगे की, तो पूरा दिन आपके सभी जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरा कर सकते हैं। तो आज की तारीख में ये जो अलगे की खेती हो रही है, ये सुपर फूड करके हो रही है। और अगर आपने नाम सुना होगा स्पिरुलिना इज बेसिकली अलगे जिसका हम सेवन करते हैं। तो अलगे का प्रोडक्शन, अलगे जिस तरह से तैयार करते हैं, इसे दो तरीके हैं। एक तो तरीका है फोटो बायो रिएक्टर मेथड, PBR। अभी क्या होता है कि अलगे अगर आप देखोगे तो पानी के सिर्फ ऊपरी हिस्सों में, कुछ मिलीमीटर में ही अलगे तैयार होते, पानी के नीचे तैयार नहीं होते। तो अगर अलगे का प्रोडक्शन करना है, अलगे ज्यादा से ज्यादा तैयार करना है, तो हमें पानी का सरफेस ज्यादा से ज्यादा चाहिए। और ऑफकोर्स वह लाइट चाहिए कि जिसके वो सूर्य प्रकाश मिले, प्रकाश संश्लेषण हो। इसलिए इस तरह का एक ट्यूब का या रिएक्टर का निर्माण किया गया है, जिस रिएक्टर में आप देख सकते हैं कि जिस रिएक्टर में पानी होता है, और इस पानी में, इस रिएक्टर में फिर अलगे की हम खेती करते हैं। इस
ट्यूब को कहते हैं फोटोबायो रिएक्टर, वो कांच की होती है, वो प्लास्टिक की होती है, और बाद में इस ट्यूब को आप कैसे भी रखिए, अलग अलग तरीके से आप इसको रख सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 70 से ज्यादा वेरिएबल्स है जो अल्गे की इस ग्रोथ को कंट्रोल करते हैं। यानी अल्गे की ग्रोथ अगर आपको बहुत फास्ट चाहिए, फास्ट प्रोडक्शन चाहिए, तो अल्गे इतना एफिशिएंट वनस्पति है को उसको फिर ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड लगेगा, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड देना पड़ता है। यानी अगर आप ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, उतना ही ज्यादा ऑक्सीजन बाहर आता है, तो ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी हो सकती है ज्यादा ऑक्सीजन की वजह से, तो उसको निकालना पड़ता है। अल्गे को माइक्रोन्यूट्रिएंट्स लगते हैं, जैसे हमें विटामिन मिनरल्स लगते हैं वो देने पड़ते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जैसे हमें अनाज चावल व्यवल सब लगता है वैसे उसको लगता है। ये सारे वेरिएबल्स अगर आप देखोगे तो 70 से भी ज्यादा ऐसी चीजें जो कंट्रोल करनी पड़ती है, इसलिए अल्गे प्रोडक्शन का खर्चा जरा ज्यादा रहता है। दूसरी जो पद्धति है वो है ओपन पॉन्ड, यानी अलगे के लिए आप फिर ऐसे ओपन तालाब तैयार करते हो और उसमें उसकी खेती करते हो। अलगे दुनिया का सबसे एफिशिएंट ऐसी वनस्पति है, दुनिया का सबसे एफिशिएंट प्लांट है। अभी वनस्पति जो है, हम देखते हैं कि वनस्पति इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, कि वो दुनिया, वो हमारे वातावरण में जो भी ये कार्बन डाइऑक्साइड है वो लेती है, सोखती है, और वो लेके हमें ऑक्सीजन प्रदान करती है। और ये कितनी एफिशिएंटली कोई भी वनस्पति कर सकती है, तो ये डिपेंड होता है कि उसमें कितना क्लोरोफिल है। अगर ज्यादा क्लोरोफिल है तो ज्यादा एफिशिएंटली करती है। अभी कोई भी वनस्पति से ये अगर आप अलगे कंपेयर करोगे तो अलगे सबसे ज्यादा एफिशिएंट। इसका कारण यह है कि किसी भी पेड़ से वनस्पति का जो आकार मान, जो उसकी साइज होती है, उसके अनुसार उसका जो प्रोपोर्शन होता है क्लोरोफिल का, उसे कई ज्यादा प्रोपोर्शन होता है अल्गे का, अल्गे में। यानी अल्गे की जितनी साइज होती है और उसमें जितना क्लोरोफिल होता है बहुत ज्यादा होता है। तो अल्गे की ये जो कैपेसिटी है, जो ज्यादा से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड ले सकती है और जल्द से जल्द ऑक्सीजन बना के छोड़ सकती है, ये पूरी दुनिया में नंबर वन है। इनफैक्ट हम सब लोग मिलके इस बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो चीज है इसका उपयोग करने वाले हैं। आने वाले दिनों में हम सभी एक बहुत स्पेशल ऐसे प्रोजेक्ट्स करने वाले हैं एमसीएल परिवार में, आप सभी उद्योजक। आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्रीज में, कारखानों में जो भी एमिशन तैयार होता है, जो भी धुआं तैयार होता है, वो धुएं को ऐसे ऊपर छोड़ा जाता है जिसे चिमनी के तहत, और उस चिमनी को अगर आप देखोगे तो ऐसी चिमनी होती है और ऊपर वो धुआं निकल जाता है। लेकिन अलगे के साथ अभी आने वाले दिनों में हम ये ऐसे करने की जरूरत नहीं, ये चिमनी तैयार करने की जरूरत नहीं, ये एमिशन हवा में डालने की जरूरत नहीं। जो भी एमिशन तैयार होता है उसको पाइप के जरिए हम डायरेक्टली अलगे के पॉन्ड में, अलगे के तालाब में उसको छोड़ सकते हैं, और अलगे बहुत एफिशिएंटली उसको कार्बन डाइऑक्साइड को निकालेगा, ऑक्सीजन भी डालेगा, और अगर जहां जहां सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, सल्फर है, सल्फर का स्क्रबिंग भी बहुत अच्छा अलगे से होता है। दोस्तों पूरी दुनिया में, यानी अमेरिका में, जापान में, चाइना में, इस अलगे को लेके, अलगे प्यूरिफाई को लेके कितने सारे स्टार्टअप्स बन चुके हैं ऑलरेडी। लोगों ने काम नहीं किया, लोगों ने प्रोडक्ट तैयार करके बेच रहे हैं आज। यानी घर का प्यूरिफायर, ऑफिस का प्यूरिफायर, बाहर सड़क पे प्यूरिफायर आप देख सकते हैं कि सड़क पे भी उन्होंने बड़ा प्यूरिफायर लगाया, वो अलगे का है, और वहां ऐसे स्टार्टअप तैयार करके वो बेच रहे, सब प्रोडक्ट बेच रहे जो अलगे बेस्ड है। हम भी ऐसे तैयार करने वाले, हम भी अपने गांव को, अपने शहरों को स्वच्छ कर सकते हैं। हर सिग्नल के लेवल पे, सिग्नल पे हम लोग इस तरह का एक अलगे का प्यूरिफायर लगा सकते हैं जो हवा को शुद्ध करेगा। इनफैक्ट यूरोप में अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी ऐसे प्यूरिफायर उन्होंने लगाए जो अलगे बेस्ड है। अभी